नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम आए हैं कार टोयोटा फॉर्च्यूनर, जो कि मतलब ब्रांड वैल्यू ही काफ़ी है नाम के लिए। तो रिव्यू तो मैं कह दूँ कि बहुत सारे यूट्यूब पे रिव्यूज़ आपको मिल जाएंगे। तो आज हम भाई के अजय के घर आए हैं। इन्होंने हमें बुलाया कि भाई भाई अपनी गाड़ी का भी कर लो। तो भाई अभी पार्किंग से निकाल रहे हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा हम देख सकते हैं, क्लियरिटी सही है, पर ये है ना, इतनी बड़ी गाड़ी के लिए आपको चाहिए इतना व्यू तो चाहिए। तो ये भाई अब गाड़ी निकाल रहे हैं। तो इसके बाद हम गाड़ी निकालने के बाद पूरा गाड़ी का रिव्यू देंगे और इनसे पूछेंगे भाई का एक्सपीरियंस क्या है। पर एक और बात बता दूं, भाई एक और गाड़ी ले रहे हैं। वो कौन सी ले रहे हैं वो आपको मैं जब बताऊंगा, जब इस वीडियो पे 50K व्यूज़ आ जाएंगे। तो भाई ने ये गाड़ी निकाल दी। यार इसका बोनेट बढ़िया व्यू आता है यार, मज़ेदार एकदम। ये भाई एकदम मस्त क्लास निकाल रहे हैं भाई गाड़ी को, देख रहे हो भाई। मतलब यार बैठती है ना, जो प्रीमियमनेस फील होती है ना, वो बहुत है यार, मतलब क्या ही बताऊं। तो अब गाड़ी का रिव्यू कंप्लीट करते हैं, तो बाहर से शुरू करते हैं, आइए। तो ये हमारी टोयोटा फॉर्च्यूनर 4x2 डीजल मैनुअल कार है। तो आज हम इस गाड़ी का रिव्यू करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट की बात करें, तो फ्रंट में आपको LED लाइट्स मिल जाती हैं, जिनका थ्रो वाकई में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। उसके बाद इस गाड़ी में आपको फोग लैंप्स मिल जाती हैं। ये जो आप क्रोम देख रहे हैं ना, ये आपका एसेसरीज का पार्ट है। ये भी क्रोम जो आपको दिख रहे हैं वो एसेसरीज का पार्ट है इसी साइड। और हम इधर से हम बात करें, ये जो मिरर है ये भी एसेसरीज का पार्ट है। इधर आपको मिल जाता है बड़ा सा टोयोटो का लोगो और गाड़ी का नंबर आप देख सकते हैं, VVIP नंबर गाड़ी का नंबर ले रखा है। इस साइड लुक की हम बात करें तो सबसे पहले हम टायर के बारे में बात करते हैं। गाड़ी में आपको 265/65 R17 इंची के अलॉय कंपनी से जो मिलते हैं टोयोटा के, ये अलॉय व्हील है। और जो ये स्कफ प्लेट ये लगाई हुई है ना, ये थोड़ा प्रोटेक्ट वगैरह करने के, थोड़ी लुक हो इन्हेंस करने के लिए। इधर आपको फॉर्च्यूनर, ये भी एक एसेसरीज का पार्ट है, आपको अलॉय व्हील्स। अब हम इस पे आपको क्रोम हैंडल्स मिलते हैं, ये भी एक एसेसरीज का पार्ट है। ये साइड की लुक आ गई। पीछे हम बात करें, इसमें भी LED टेल लाइट्स मिलते हैं, डिफोगर में जो पीछे की लाइट है टेल लाइट भी मिलती है आपको। फॉर्च्यूनर की दोबारा बैजिंग, हर जगह फॉर्च्यूनर की बैजिंग एसेसरीज का एक पार्ट है। नीचे हम देखेंगे तो इसका स्पेयर व्हील हमें मिलता है और ये बड़ा सा नोट इसका एग्जॉस्ट जो कि सिंपल साउंड करता है। ये डीजल का इंजन है, तो हम इसकी डीजल के इंजन की वॉइस भी आपको सुनाएंगे, कितना ये रिफाइन है कितना नहीं है। गाड़ी की बाहर की नॉइस है, आप देख सकते हैं डीजल मैनुअल, ठीक है, हम नॉइस सुने, मतलब लाइट तो यार क्या ही बताऊं। तो ये साइड की लुक ये जो है, मतलब यार कसम से एक बार तो बड़ी भयंकर लगती है। प्रेजेंस इसकी इतनी अच्छी है ना, पर फोर्ड जो इसकी टक्कर में थी एंडेवर, वो गाड़ी बंद हो चुकी है, फोर्ड अपना बोरिया बिस्तर बांध के चल चुका है। जगह जगह है ना इस गाड़ी की लुक, मतलब क्या ही बोलूँ यार, मतलब बोलने के लिए मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है कि यार डायरेक्ट वैगनर से फॉर्च्यूनर का रिव्यू कर रहा हूँ। इधर हम मिरर की हम बात करते हैं, मिरर आप देख सकते हैं ORVM, इसी पे आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। हाँ, तो लास्ट टाइम मैंने वीडियो में बात की थी वैगनर के वाइपर के बारे में, तो ज़रा भाई इसके वाइपर देखो यार, मतलब देख रहे हो इसके ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं। क्वालिटी यार यहीं तो है, मतलब बिल्ड क्वालिटी देखो, टोयोटा की बिल्ड क्वालिटी है, ये बिल्ड क्वालिटी है। तो ये तो होगी भाई सारी एक्सटीरियर लुक। अभी थोड़ी देर में हम कार के ओनर से भी हम बात करेंगे, जो इस कार का ओनर है वो अभी बस हम बुलाते हैं उनको। गाड़ी के डोर हैंडल्स पे क्रोम है जो कि एसेसरीज में है। इधर ही आपको फिजिकल की लगाने का ऑप्शन भी मिल जाता है, और साथ ही साथ आपके जो सेंसर है जिसमें हम जस्ट हमें प्रेस करना है और आप गाड़ी के अंदर एंट्री हो जाएंगे। इधर हम बात करें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर्स, इनको अनफोल्ड और फोल्ड करने के लिए बटन, मिरर को फोर साइड विंडो को अप डाउन करने के लिए, लॉक अनलॉक करने के लिए, और ये आपके चाइल्ड लॉक वगैरह का सिस्टम है। तो ये गाड़ी का क्रोम है ना, मतलब जो ये है ना लेदर फिनिश, मतलब यार भाई साहब
इतनी भयंकर लेदर फिनिश है। इधर आप 1 लीटर की बोतल आराम से कैरी कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा सम बॉक्स मिल जाता है, ग्लव वगैरह बॉक्स वगैरह कुछ भी आप बोल सकते हैं। गाड़ी में आपको एम्बिएंट लाइटिंग का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि गाड़ी की सीट है ना इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, आप देख सकते हैं। आगे करनी है, ये पीछे करनी है, हाइट एडजस्ट भी हम कर सकते हैं ऐसे, जो ये है ना टिल्ट वगैरह भी कर सकते हैं। इस गाड़ी में आपका स्टेयरिंग जो दो तरीके से एडजस्ट भी हो जाता है। तो अब हम ऐसे ही दूसरी सीट की हम बात करेंगे, उस साइड भी आपको सेम 1 लीटर की बोतल आप प्लेस कर सकते हैं। तो हम बात करें, इसमें आपको 6-स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स मिल जाता है, ये डीजल की गाड़ी है। पुश बटन स्टार्ट मिल जाता है, मतलब फीचर तो है भाई, उतना ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है ना बाद में कोई भी आप चीज़ रिपेयर वगैरह पर। टोयोटा गियर नाम है, ब्रांड है, मतलब गाड़ी की लुक बहुत आप जाए इनहेंस हो रही है। इधर आपको LED लाइट्स मिल जाएगी, इधर आपको जो मिलता है इसमें आपको मिरर भी मिल रहा है और साथ के साथ लाइट सेम टू सेम। इधर आपको मिरर मिल रहा है पर उधर की लाइट ऑन करेगी, मिरर के बाद ही आपकी लाइट ऑन होगी। गाड़ी के पीछे वाली सीट पर हम चलते हैं, ये पीछे वाली सीट पर, तो ये हम आ गए। इधर भी आपको 1 लीटर का बॉक्स, इधर भी आपको लेदर की जो रैप टाइप में होता है ना, मतलब इसकी लुक। इधर भी आपको फॉर्च्यूनर का लोगो मिल रहा है। हम गाड़ी के अंदर इंटीरियर की बात करें तो यहाँ से आपको इतनी, मतलब गाड़ी इतनी ऊँची है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही बढ़िया है, तो ये आपको पैर रख कर गाड़ी के अंदर चढ़ना पड़ता है। तो हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर, तो आप देख सकते हैं इधर आपकी लाइट्स वगैरह है ऑन कर दिए, जो कि फ्रंट और रियर दोनों की मैंने लाइट्स ऑन कर दी है। इधर आपको डोर एंड सॉरी हैंडल मिल जाता है, इधर आपको सेम हैंडल, इधर एसी वेंट्स, इधर भी एसी वेंट्स, और इधर इसमें है ना इस गाड़ी में आपको दोनों, मतलब चारों साइड आपको हैंडल्स मिल जाते हैं, जिससे पैसेंजर को और ड्राइवर को कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। तो ये मैंने आपको बताया था, भाई थोड़ा शौकीन है तो भाई ने रोखोड़ की बोतल रखी हुई। इधर आपको आर्म रेस्ट की हम बात करें तो ये थोड़ा सा टाइट है, ये आर्म रेस्ट है, पर आप ये तो होगी, मतलब ये सीट काफ़ी पीछे है, स्पेस काफ़ी सही है इस गाड़ी का, तो मतलब स्पेस देख रहे हो भाई, इतना 5-10 की हाइट के बाद भी इतना स्पेस बच रहा है, तो मतलब स्पेस है ना गाड़ी में बहुत है। तो ये हमने लाइट को ऑफ कर दिया एकदम। इधर आपको 120 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है, इधर आपको सम स्पेस मिल जाता है, इधर आपको कुछ रख सकते हैं, इधर आती है आप कैसे पीछे जाएंगे। तो इस गाड़ी में आपको पीछे जाने के लिए इसको ऐसे पुश करना है और ये सीट अनफोल्ड हो गई। तो अब गाड़ी में आपको पीछे जाने के लिए ऐसे और ऐसे बस। अब जैसे ये सीट हम ऐसे फोल्ड कर देंगे तो ठीक है यार, लेग स्पेस है ना कम बसता है, दरअसल बात ही है। इधर भी आपको फ्यूल टैंक है वो लेफ्ट साइड में मिल जाता है, फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है वो आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगी। इधर भी आपको क्रोम की प्लेसमेंट मिलती है, जो अगेन एसेसरीज़ का पार्ट है। मैं बार बार एसेसरीज़ बता रहा हूँ, क्यों भाई गाड़ी लेना ठीक है पर एसेसरीज़ भी फॉर्च्यूनर टोयोटा लगा के देता है, बहुत ज़्यादा एसेसरी लगा देता है। ये आपका वाइपर है, ठीक है, तो मतलब गाड़ी के पीछे से भी लुक भाई बहुत अच्छा है। इसमें भी आपकी लाइट चसती है, ये पीछे की पार्किंग सेंसर है। गाड़ी में आपको मैंने कैमरा दिखाई दे, कैमरे की प्लेसमेंट भी दिखाई थी आपको मैंने, ये कैमरे की प्लेसमेंट है। ये आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, इधर आपको अगेन पार्किंग लाइट वगैरह मिल जाती है। का थ्रू आप देख सकते हैं, इधर से आप थ्रू देख सकते हैं, मतलब ये अभी अंधेरा हुआ नहीं है तो आपको गाड़ी के लाइट्स का थ्रू दिख रहा है, मतलब गाड़ी की लाइट्स आप देख सकते हैं ना भाई, काफ़ी सेक्सी लगती है, देख सकते हो यार, मतलब क्या ही लाइट है। मतलब रात में जो गाड़ी की पीछे की टेल लाइट्स है ना वो इस तरह की दिख, गाड़ी का हमें बूस्ट पेट्स खोलना है ना, जस्ट वन प्रेस खुल जा सिम सिम। तो ये स्पेस गाड़ी का, मतलब यार हद है यार, लग्जरी कार। ये कुछ टोयोटा के मैनुअल्स पड़े हैं, इधर आपको देख सकते हैं क्या मिलता है यार। इधर आपको शायद टूल किट ही मिलेगी, मतलब स्पेस 7 सीटर होने के बाद तो यार इतना ही है, आपको प्रेस करना है यार इतना, जस्ट ओनली 1 क्लिक एंड बूट विल बी डाउन। मतलब लाइट देख रहे हो यार, मतलब यार लाइट का ही खेल है यार। देखियो कितनी, अज्जू भाई ने जैसे अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करवाया है, उन्होंने 2017 के मॉडल को लीजेंडर बना दिया, क्योंकि 4x4 लीजेंडर नहीं आ रही थी, पर उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी, जो कि 8 अक्टूबर को लीजेंडर 4x4 आ रही है। 8 उनका फेवरेट नंबर है, पर कोई नहीं, जैसा भी है वो भाई कह रहे हैं मैं खुश हूँ तो बढ़िया बात है। चलिए अब हम इस गाड़ी के ओनर से हम मुलाकात करते हैं। तो इधर हमारे पास सामने है गाड़ी के ओनर अजय भाई, जैसे अरुण पवार के साथ उनका संदीप डागर भाई है हमारे पास, हमारे अजय भाई। क्या हाल है अजय भाई? नमस्कार जी, ठीक है सर। बहुत ही बढ़िया भाई, आप फॉर्चुनर टोयोटा फॉर्चुनर 2020 डीजल मैनुअल के ओनर हैं, तो आप बताएं इस गाड़ी से आप संतुष्ट हैं, आपकी कितनी यूज़ में आती है और आप नई गाड़ी लेने का सोच रहे हो, पर आप ये मत बताना, नई गाड़ी का हम तभी रिवील करेंगे जब 50,000 व्यूज़ हो जाएंगे इस वीडियो पर। तो आप बताएं गाड़ी का रिव्यू दे अपने, आप संतुष्ट हैं, कितना आप यूज़ कर पाते हैं? 2019 दिसंबर ली थी, आज 1 साल 8 मंथ के आसपास हो गए हैं। तो गाड़ी सर
गाड़ी तो आपने देख ली होगी। हाँ गाड़ी तो, और सबसे मेनली बात जो फॉर्चुनर ओन करता है वो माइलेज वगैरह की बात करते हैं भाई। माइलेज आपने कभी सोचा, माइलेज आपने जितनी बार भी फ्यूल टैंक करा है वो कैसे फुल करा आप ये बता दो एक बार। माइलेज इतनी महंगी गाड़ी ले ली तो माइलेज की तो क्या सोचे, ठीक है जी। और फ्यूल टैंक भाई ने कभी कभी यूँ नहीं कि हमेशा फुल टैंक, भाई भाई ये गाड़ी से तंग हो चुके अब, कह रहे हैं भाई बड़ी गाड़ी है हर जगह थोड़ी ना ले जाए। जब दिल्ली गए और दिल्ली के ट्रैफिक में आपको पता है मैनुअल, हाँ जी मार्केट में ये गाड़ी थोड़ी दिक्कत है भाई तो, और भाई एक और गाड़ी ले रहे हैं इस वजह से कि मार्केट में, और भाई के पास ऑलरेडी एक कैंपर भी है। कैंपर तो अपना फील्ड वगैरह में हर जगह थोड़ी ना फॉर्च्यूनर अभी तो दिखाने के लिए होती है ज़्यादातर, तो है कि नहीं। तो अब गाड़ी का इंटीरियर के अंदर बैठते हैं, आइए बैठिए आप। तो ये हम जा रहे हैं भाई अजय भाई के साथ अंदर गाड़ी के अंदर। इस गाड़ी का ना ड्राइविंग एक्सपीरियंस भाई शेयर करेंगे, पर आप है ना जब तक बढ़िया सपोर्ट नहीं करोगे ना इस गाड़ी का, तो भाई गाड़ी एक बार स्टार्ट करके दिखाएंगे दरवाज़ा अंदर करने के बाद कितना रिफाइन इंजन है कितना नहीं हो गया। गाड़ी का आप स्टेयरिंग देख सकते हैं भाई यार, मतलब आप स्क्रीन को देख के आप क्या बोलना चाहेंगे यार, मतलब स्क्रीन को देख के आपकी डिस्प्ले को देख के आपको म्यूजिक सिस्टम से सेटिस्फाई हो ना हो। म्यूजिक तो फाड़ू है एकदम बढ़िया है ना भाई। हाँ जी बिल्कुल। आफ्टर मार्केट की कोई जरूरत है? नहीं 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 कोई जरूरत नहीं है ना। नहीं, नहीं। भाई स्क्रीन देखो यार, कसम से यार क्या स्क्रीन है, मतलब एक बार तो दिल है ना बस क्या ही बताऊं। इधर से आप है ना अपने इंडिकेटर ऑन कर सकते हैं, गाड़ी के दोनों तरफ से इंडिकेटर ऑन हो जाते हैं। इधर एसी एसी इधर आपको ग्लव बॉक्स दिखा देता हूँ, ग्लव बॉक्स के अंदर भी आपको लाइट मिल जाएगा। भैया ने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे हुए हैं कार के, ये इसकी डिस्प्ले है, ऑडियो ट्यून ट्रैक एक्सेट्रा एंड एप्पल कार प्ले, उस टाइम तो शायद आता नहीं था, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है कि अभी अभी नया चैनल स्टार्ट किया है। स्टेयरिंग पे हम कंट्रोल की बात करें, स्टेयरिंग पे ही आपको वॉल्यूम कंट्रोल साइड की सीट पे, तो सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पाएँ तो जो इनकी एवरेज दिखा रहा है ना 2.4 किलोमीटर पर लीटर यार, मतलब रीसेट वगैरह करो इन्होंने टोटल 27,421 किलोमीटर गाड़ी चला दी है। गाड़ी आप देख सकते हैं आरपीएम से स्टार्ट है, इधर एसी भी ऑन है और गाड़ी में कोई नॉइस नहीं है। गाड़ी हम रैप करके देखेंगे, जैसे हम अब रैप कर रहे हैं ये गाड़ी रैप हो रही है पर कोई नॉइस नहीं है, पर थोड़ा सा यार गियर नॉब तो अपना देसी स्टाइल में हिल रहा है बिना कुछ हिलाए। ये गाड़ी रैप करें तो भाई मतलब आवाज़ आ रही है अंदर गाड़ी की? नहीं जी आवाज़ आ रही है नहीं नहीं। तो मतलब आप रैप कर रहे हो तो फीलिंग तो लेते हो गया आप? हाँ हाँ बिल्कुल जी। और पिकअप कैसा लगा आपको भाई गाड़ी का? पिकअप तो यूँ लगा लो इसको हाईवे पे तो 150+ से नीचे उतरने नहीं देते। और आपने खूब स्टेटस वगैरह देखे 180-170, तो भाई अपना फिर भी सेफ चलाओ, 100-120 चलाओ, पर यही है ना जो लेते हैं तो भाई वो रुकते थोड़ा ना। बिल्कुल। तो भाई इन्होंने गाड़ी ली, अब थोड़ी रात हो रही है। ये गाड़ी की लाइट्स ये सिंपल, ये हाई बीम लो बीम, पर हाई बीम में मत चलाओ यार, सामने वाला मेरे जैसा कोई वैगनर वाला होगा ना उसकी आंखें चुंधी आ जाएंगी भाई। सब आपको विजिबल, और बोनट की हम बात करें वो भी आपको कंप्लीट विजिबल दिखता है। तो अजय भाई एक और गाड़ी लेंगे तो उस गाड़ी का हम कंप्लीट रिव्यू करेंगे, वो टेम्परेरी। भाई ने वो भी सेम नंबर लिया, गाड़ी का नंबर आपने देखा 0015, वो भी 0015 है। यही तो ठाट है भाई, क्या बात है, VVIP नंबर ले रहे हो। कितने नंबर, कितने लाख का नंबर पड़ा था आपको? ये 1,00,000 के आसपास जी। ये 0015 भाई आपको सस्ता पड़ेगा, दिल्ली में तो बड़े बड़े 4-4 लाख रुपए ले लेते हैं वे नंबर के। हाँ बिल्कुल। तो भाई ये भी एक पास है, ये भी एक बेनिफिट है, मतलब यार यार ये जो वुडन फिनिश है ना क्या बताऊं, बहुत ही बढ़िया है। स्टेयरिंग आप देख सकते हैं, मतलब जो इनका थ्रो है ना वो काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए इस गाड़ी पे व्यूज़ अच्छे बढ़ा देंगे तो इस गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस व्यू, गाड़ी चलाएंगे भाई और ड्राइविंग एक्सपीरियंस लेंगे हम कंप्लीट, बताएं भाई। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही था, आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।